दोस्तों आज मैं आपको एक पुस्तक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि गीता प्रेस गोरखपुर की प्रिंटिंग प्रेस से है, क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर काफ़ी अच्छी है, इसकी काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में और इनके साहित्य और ग्रंथ काफ़ी फेमस भी है। जो भी ये लिखते हैं काफ़ी एक्यूरेट लिखते हैं और काफ़ी शोध करने के बाद लिखते हैं, और इनकी जो पुस्तकें हैं काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे भी अवेलेबल है। तो ये पुस्तक मैंने ली थी ऋषिकेश से। ऋषिकेश में गीता प्रेस का एक स्टोर है, गीता भवन है, और वहाँ से मैंने ये ली थी। इसको 2 महीने पहले मैंने लिया था और काफ़ी मोटी पुस्तक है, देख सकते हैं आप कितनी मोटी पुस्तक है। इस ऐसी पुस्तकों को देख कर लगता है कि होगी 1-1.5 हज़ार रुपये की या ज़्यादा महंगी, लेकिन जब मैंने इसका प्राइस मालूम किया तो उन्होंने कहा सिर्फ 200 रुपये, तो मैंने तुरंत इसको ले लिया है क्योंकि मेरी आयुर्वेद में रुचि है, तो इसलिए मैंने ये पुस्तक सेलेक्ट की। और इसका नाम है आरोग्य अखंड, और काफ़ी चीज़ें इन्होंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा कवर कर रखा है कि होता क्या है। और चलो इस पुस्तक को मैं खोलता हूँ, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको। आप मेरे ख्याल से इनको ऑनलाइन मंगा सकते हैं, मैंने देखा नहीं है, लेकिन ऑनलाइन भी मिल सकती है, आप कहीं भी हो इंडिया में या फॉरन का मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इंडिया में तो आपको ये आराम से आपके घर तक पहुँच जाएगी, घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखिए 200 रुपये है, और ये भी सर लेटेस्ट वर्जन ही है, काफ़ी संस्कृत भी यूज़ की है, श्लोक वगैरह लिखे गए हैं। मैं आपको इसका दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। विषय सूची में थोड़ा सा इन्होंने भगवान के बारे में लिखा है, कल्याण के बारे में, इन्होंने स्पिरिचुअलिटी भी दिखाई है किस तरह से, कि धन्वंतरी ये जो जो देवता हैं आयुर्वेद के, और जिस तरह के शिव जी जी जो महाराज भी उसमें से कैसे जुड़े हुए हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे जुड़े हुए हैं। और देखिए जैसे कि इन्होंने दिखा रखा है कि आयुर्वेद प्रवक्त भगवान धन्वंतरी जी यहाँ पर है, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत और सात्विक आहार निश्चित आहार, तो इस तरह से इन्होंने टोटल हर एक को लिंक किया है कि यह कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे काम करता था। ये देखिए आयुर्वेद मूर्ति भगवान सदाशिव सूर्य पासने आरोग्य प्राप्ति आरोग्य साधने जीवन मृत्यु अष्टांग योग, पूरा अष्टांग योग दिखा रखा है, और आरोग्य अपनाए ऐश्वर्य की प्राप्ति, तो तीनों देव वेद, काफ़ी इन्होंने बिल्कुल, ये काफ़ी अलग पुस्तक है, मैं काफ़ी पढ़ता रहता हूँ मैं पुस्तकें, लेकिन ये काफ़ी अलग पुस्तक है। आयुर्वेद भगवान की देन, जैसे कि आप समझ रहे हैं कि किस ओर जा रहे हैं, किस तरह से लिख रहे हैं। अभी तो फिलहाल इन्होंने थोड़ा सा इसको स्पिरिचुअलिटी में रिलेट किया था, लेकिन बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो अलग अलग फिर पूरा बीमारी पे भी आएंगे, दवाओं पे भी आएंगे, घरेलू नुस्खों पे भी आएंगे, किस तरह से सोना है, किस तरह से खाना है, किस तरह से नहाना है और कब उठना है, तो आर्ट ऑफ लिविंग भी काफ़ी इन्होंने बता रखी है, स्वस्थ का रहस्य, मानसिक स्वास्थ्य और सदाचार। अब जैसे कि इन्होंने इस टॉपिक पे लिखा है मानसिक स्वास्थ्य और सदाचार, तो ऐसा ही नहीं कि इन्होंने कुछ छाप दिया है, इन्होंने बताया कि किससे हमने ये उठाया है, कि इन्होंने ये बताया डॉक्टर श्री मणि भाई, तो जो डॉक्टर है भीव भवानी लाल जी, जिन्होंने वेदों में स्वास्थ्य जीवन के मौलिक सूत्र के बारे में बताया है। एक MD है, PhD डॉक्टर है, डॉक्टर श्री भवानी लाल जी, और स्वास्थ्य प्रति के स्वास्थ्य सात्विक उपाय। तो देखिए कितने सारे डॉक्टर्स हैं, कितने सारे प्रोफेसर्स हैं, जिनके अलग अलग इन्होंने हर एक का बेस्ट पार्ट उठा रखा है। बिना औषधि सेवन के कैसे स्वस्थ रहें, तो ये आचार्य श्री राजकुमार जैन जी ने लिखा है, तो काफ़ी लिस्ट काफ़ी लंबी है, लिस्ट काफ़ी लंबी है, आप इसको मेरे ख्याल से पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए और ज्ञान लेते रहिए। अभी तो मैंने 2 महीने हो गए इस पुस्तक को थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास और भी पुस्तकें हैं, बीच में उनसे भी पढ़ता रहता हूँ। बच्चों की भी बीमारी बता रखी है, वृद्धों की भी बता रखी है, जवानों को, बच्चों के सूखा रोग की अधूनी, कुछ रोगों में अनुभूत सहज सफल, मासूर की दवा, रक्त हृदय तथा श्वेत रोग। तो आपको थोड़ा सा मतलब हिंदी भी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा इसमें काफ़ी डीप में हिंदी यूज़ की गई है, संस्कृत भी थोड़ा सा श्लोक वगैरह है, पर समझ में आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। स्वस्थ रहने की रामबाण दवा, अरे वाह, मैं थोड़ा सा इस पुस्तक में दिखा देता हूँ कि किस तरह के बीच में
तो पूरा फोटो तो शुरू में ही थे, बाकी अभी ये नॉर्मल है। कुछ चित्र भी बता रखे हैं, चित लेट कर करने के आसन, आसन के बारे में बताया, जो थोड़ा सा योग पे भी इन्होंने ध्यान दिया है, योगा पे। ये देखिए किस तरह से पूरा डिटेल में बता रखा है, चक्रासन, विपदासन, मेरुदंडासन, हेड स्टैंड, हैंड स्टैंड, आरोग्य के लिए योगाभ्यास। तो योग के द्वारा भी, आहार के द्वारा भी, और दवाई के द्वारा भी, हर तरह से इन्होंने बताया हुआ है। ब्रह्मी से गुणों से दवाई, दवाई को भी इन्होंने क्लासिफिकेशन कर रखा है कि दवाई के थ्रू कैसे इलाज किया जाए। और जैसे गाजर है, गाजर के बारे में बता रखा है, पूरा गाजर को ही इन्होंने पहले डिस्क्राइब कर दिया है कि औषधियों में कहाँ कहाँ काम आती है, गाजर के क्या फ़ायदे, कौन सी गाजर, कैसी गाजर, कब ले, कब ना ले, किस सीजन में ले। तो जैसे कि इन्होंने यहाँ पे गाजर के बारे में लिख रखा है, जिनको अधसीस होता है, अधसीस इंग्लिश में बोलते हैं माइग्रेन, तो उनके बारे में बताया कि गाजर के पत्तों पर दोनों ओर शुद्ध घी लगाकर उन्हें गर्म करें, फिर उनका रस निकालकर 2-3 बूंदें कान एवं नाक में डालें, इससे अधसीस का दर्द मिट जाता है। नेत्र रोग, आँखों के रोग भी इससे मिट जाते हैं, पेशाब की बीमारियाँ भी, और नक्सीर फूटना, जलने पर, हृदय रोग में काम करता है। पाइनएप्पल के बारे में यहाँ पे बता रखा है, जामुन के बारे में, टमाटर के बारे में, खरबूजे के बारे में। तो ये काफ़ी ठीक पुस्तक लगी है मेरे को। अगर आपको ये, बस ये मैं थोड़ा डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ कि लेने से पहले, खरीदने से पहले आपको यहाँ पे, आप इस वीडियो के थ्रू आप देख सकते हैं कि आप ये पुस्तक आपके लिए है या नहीं है। हृदय को स्वस्थ रखने के सरल उपाय, चर्म रोग, सोराइसिस, एलर्जी, शीत पित्ती रोग में आयुर्वेदिक। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप इसको पढ़ेंगे और आपको रोग मिल जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे, गाजर खा ली और ठीक हो गए, नहीं नहीं नहीं। इसके लिए बहुत सारी जो है परहेज करने पड़ते हैं आयुर्वेद में। आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जो कि आप नेचुरलोपैथी भी इसमें आती है कि आप अपना परहेज करिए और तब दुगनी तेज़ी से, तिगनी तेज़ी से बल्कि दवाई असर करती है। लोग बीमार इसलिए होते हैं कि उल्टा सीधा खाते हैं और परहेज नहीं करते हैं। सबसे मेन चीज़ तो चाय ले लो, जो चाय पीते हैं बीमारी वहीं से शुरू हो जाती है। फिर क्या फ़ायदा दवाई होगा और इस जीवन का, जब आपने चाय ही पी ली तो फिर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहला स्टेप तो यही है कि आप चाय ना पिए जिंदगी में, और दूसरा स्टेप ये है कि आप रोज़ 4 लीटर पानी पिए, 3 लीटर पानी पिए। यही कर लो तो ज़िंदगी में दवाई की और इन पुस्तकों की कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, लोगों को सिर्फ दवाई चाहिए। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।